स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो जो कि है EMRS TGT साइंस का पार्ट 6 जनरल हिंदी। ठीक है, देखिए इसमें आपको फिर एक पूरा गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में 131 से लेकर 133 क्वेश्चन, इसके आधार पर आपको जवाब देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं इसके आए के क्वेश्चंस। इससे पहला हमारा क्वेश्चन है, बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं, तो धर्म परायणता पर उपदेश नहीं देते हैं। ये आंसर जो है ना, ये ऊपर गद्यांश जो दिया गया है उसके आधार पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है, तो उपदेश पर अमल करना ये आसान नहीं है। अगला है, इसमें जातिवाचक संज्ञा पहचाननी है, तो वो है नदी। नदी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है, तो जल पिपासु में तत्पुरुष समास नहीं आता है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो मनोज जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों पर्यायवाची शब्द होते हैं इंद्र के, जैसे सुरेंद्र, पुरंदर और सुरपति। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असंगत शब्द युग्म, असंगत मतलब गलत है। ठीक है, तीव्र का मंद सही है, दुर्लभ का सुलभ सही है, उन्नति का अवनति ये भी सही है, लेकिन निंदा का क्या होता है, स्तुति। ठीक है, तो ये गलत है। अशुद्ध स्वभाव हमको पहचानना है, तो पहली बार आप इसको देखेंगे ना चारों ऑप्शन को, तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों आंसर सही है या चारों ऑप्शन सही है। हमसे पूछा है गलत, तो हिंदुस्तान जो है ना ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, हिंदुस्तान लिखने का कोई दूसरा तरीका है, उससे लिखते हैं। यहाँ पे नौ नहीं आती है, बिंदु आता है। ठीक है, नौ के स्थान पर बिंदु आता है, तो इसलिए ये अशुद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, स्वर संधि किसमें नहीं है, तो वो है तल्लीन। ठीक है, अगला है, एक मुहावरा दिया हुआ है, सोने में सुहागा, इस मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है, तो अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, ये होता है सोने में सुहागा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।